कैटरीना कैफ, जो सलमान खान की बेहद अच्छी दोस्त थी, जिनके साथ कभी सलमान का मोहब्बत वाला रिश्ता भी था, अब वही कैटरीना के दिल में प्यार के नए फूल खिलने लगे हैं। और मीडिया के गलियारों में ऐसी खबरें हैं कि कैटरीना के दिल में जिसके लिए प्यार के नए फूल खिल रहे हैं वो यंग जनरेशन के एक्टर विक्की कौशल हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान भी कैटरीना सलमान को भूलकर विक्की के साथ में ही टच में बनी रही, और अब तो कैटरीना और विक्की के प्यार के चर्चे हर जगह होने लगे हैं। यकीन नहीं आता तो हम आपको बताते हैं वो तीन बड़े इशारे जो ये बताते हैं कि कैटरीना विक्की के प्यार में कितनी दीवानी हो चुकी हैं। सबसे ताजा इशारा, हाल ही में कैटरीना कैफ ने खुद की इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर शेयर की है जिस पर कई बटरफ्लाइज बनी हुई हैं। लेकिन गौर करने वाली बात है कि इस पिक्चर में कैटरीना किसी को हक किए हुए हैं, मगर उस शख्स का चेहरा नजर नहीं आ रहा। तो अब ऐसे में फैंस का कहना है कि कैटरीना कैफ इस पिक्चर में विक्की कौशल को गले लगाई हुई है, जिसका प्रूफ भी फैंस ने दिया है। दरअसल कैटरीना कैफ डेनिम शर्ट में मस्टर्ड कलर की टी शर्ट पहने एक शख्स को गले लगाती दिख रही हैं, और ये मस्टर्ड कलर की टी शर्ट विक्की कौशल ने पहनी है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि कैटरीना और विक्की की ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, और फैंस का कहना है कि दोनों साथ में ही हैं। दूसरा इशारा, नए साल पर साथ किए गए थे स्पॉट। इससे पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते भी दोनों एक बार सुर्खियों में आए थे। दोनों ने हाल ही में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की पिक्चर्स अलग अलग शेयर की थी, लेकिन फैंस को पता चल गया था कि दोनों साथ में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। दरअसल कैटरीना ने इंस्टाग्राम पर एक पिक्चर शेयर की थी जिसमें वो अपनी सिस्टर इजाबेल कैफ के साथ बैठी दिख रही थी, और दोनों ने ही स्वेटर पहना हुआ था, और कैटरीना ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में सीक्वेंस माफिया लिखा था। लेकिन सामने कांच के ग्लास में विक्की कौशल की फोटो भी दिख गई, जिसका एहसास कैटरीना को कुछ देर बाद हुआ, और उन्होंने तुरंत इस फोटो को डिलीट कर दिया। लेकिन तब तक फोटो इंटरनेट पर वायरल हो चुकी थी, जिसके बाद फैंस कयास लगाने लगे थे कि दोनों ने न्यू ईयर भी साथ में ही सेलिब्रेट किया है। और तीसरा इशारा, जब कोरोना में कैट से मिलने को तड़प उठे थे विक्की। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान भी एक ऐसा किस्सा हुआ था जब कैट से मिलने को तड़प उठे थे विक्की। दरअसल विक्की कैटरीना के घर चोरी छुपे पहुंचते थे। ये खबर अप्रैल 2020 की है, जब विक्की कौशल आए दिन कैटरीना से मिलते थे। और तो और, लोगों और मीडिया से बचने के लिए और अपनी पहचान छिपाने के लिए वो हुड और मास्क का सहारा लेते थे, ताकि कोई भी उनको पहचान न सके। और अप्रैल 2020 का किस्सा है जब अपनी गर्लफ्रेंड कैटरीना से मिलने विक्की उनके घर पहुंचे, तो विक्की को मुंबई पुलिस ने लॉकडाउन का पालन ना करने के लिए खूब लताड़ लगाई थी, जिसके बाद फिर अपनी सफाई में विक्की ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए उनका वो ट्वीट, देयर आर बेसलेस रूमर्स सजेस्टिंग दैट आई ब्रोक द लॉकडाउन एंड गॉट पुल्ड अप बाय द कॉप्स। आई हैव नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ माय हाउस सिंस द लॉकडाउन स्टार्टेड। आई रिक्वेस्ट पीपल नॉट टू हीड द रूमर्स। इसके बाद फिर कैटरीना और विक्की की नजदीकी के चर्चे खूब बने थे। भाई अब इससे ज्यादा आपको क्या सबूत दे कि ये विक्की और कैटरीना के दिल चुपके चुपके मिल रहे हैं, और ये कपल एक दूसरे के प्यार में चूर भी हो चुका है। भाई देखना ये है कि कैटरीना के इस नए प्यार के बारे में क्या सलमान खान जानते हैं, और अगर जानते हैं तो इस पर वो कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाए।